हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th के नीट जेडब्ल्यूई फाउंडेशन कोर्स में हमारा चैप्टर चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके 19th लेक्चर में आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ फ्रेंड्स, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम आज से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से प्रोबेबिलिस्टिक स्पेस जो होती है उसे ऑर्बिटल कहा जाता है, और किस तरह के किस किस अलग शेप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, उनकी किस तरह से अलग अलग एनर्जीज होती है, ये सब कुछ हमने देख लिया है। यानी कि मान लो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की एक टूर निकली है, इलेक्ट्रॉन्स की एक टूर निकली है, और वो अभी एक डेस्टिनेशन पे जाके पहुँचे हैं जिधर एक बहुत बड़ा 5-स्टार होटल है, जिसमें जाके उनको अभी कमरे में अलॉट करना है। हर एक इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल्स में हमें किस तरह से प्लेस करना है ये सीखना है। यानी इलेक्ट्रॉन की गाड़ी अभी उस 5-स्टार होटल तक जाके पहुंच चुकी है। यानी हमने जो वो जो 5-स्टार होटल बनाने का काम था वो हमने सीख लिया है। यानी ऑर्बिटल्स, न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अलग अलग शेप्स कैसे होते हैं। जिस तरह से एस जो होता है स्फेरिकली शेप्ड होता है, पी जो होता है वो डंबेल शेप्ड होता है, इस तरह से हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। यानी मान लो कि एक मल्टी फ्लोर्ड एक होटल है जिसके फर्स्ट फ्लोर पे एक ही कमरा है, यानी एस शेल में एक ही सबशेल है जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं, और सेकेंड शेल में कितने सबशेल होते हैं, दो सबशेल होते हैं, एक एस और एक पी। सेकेंड शेल में दो सबशेल्स होते हैं, एक एस एंड पी, और एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है जिसे एस ऑर्बिटल कहते हैं। पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट ऑर्बिटल्स के शेप्स और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट सबशेल्स हमने देख लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी इन सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा, तो इसके लिए 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमें गाइड करने वाले हैं। ऑफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने ब्रीफली बताया था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, लेकिन अब हम गहराई से एक के बाद एक प्रिंसिपल देखेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है फ्रेंड्स, ऑफबो यानी टू बिल्ड, टू कंस्ट्रक्ट। तो ऑफबो का मीनिंग जर्मन वर्ड है, जैसे आउडी होता है वैसे ये ऑफबो प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को बिल्डअप करने वाले हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स में। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। जैसा कि हम जानते हैं 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s से कम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फिल होगा, 1s में होगा, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में, उसके बाद 3s में। तो ये जो ऑर्बिटल की एनर्जी वाइज ये एक डायग्राम हमें, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल का इसी तरह से रैंडमली एनर्जी याद रखना मुश्किल है, तो ये डायग्राम हमें बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस तरह से जो एरो दिखाया गया है, ये एरो के डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी 1s की सबसे कम एनर्जी, उसके बाद में ये डॉट डॉट से दिखाया है, इधर आ गए हम लोग, ये 2s, उसके बाद में इसको हम डॉट डॉट से दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। अगला एनर्जी वाला ऑर्बिटल होगा 2p, उसके बाद में 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, इस तरह से इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो फ्रेंड्स, ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो एनर्जी डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। ये जिसका जितना कम होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। और फ्रेंड्स, ऐसे कई सारे केसेस आएंगे जिसमें n प्लस l की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। मान लो 3p और 4s है, 3p के लिए n क्या हो गया, 3,
और P क्या, P के लिए L की वैल्यू क्या है ये हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, SPVF, इसके आगे हमें जरूरत नहीं है। S के लिए L की वैल्यू होती है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो P के लिए L की वैल्यू है 1, तो N प्लस L की वैल्यू हो जाएगी 4। और 4 S के लिए, 4 N की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इधर है 4, और एजीमुथल क्वांटम नंबर S के लिए, S ऑर्बिटल के लिए कितना है 0, तो इधर भी N प्लस L की वैल्यू 4 ही होने वाली है, यानी इन दो ऑर्बिटल के लिए वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इक्वल आ रही है। ऐसे केस में क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लोएस्ट है उसकी एनर्जी कम होने वाली है, कम रहने वाली है। तो फ्रेंड्स 3p और 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इधर 3p का लोएस्ट है, तो इसकी एनर्जी 4s से कम होगी। सेम वे में 3d 4p 5s को आप कंपेयर कर सकते हो, 3d 4p एंड 5s। 3d के लिए n की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 2, n प्लस l आएगा 5। 4p के लिए n की वैल्यू है 4, p की वैल्यू है 1, तो n प्लस l आएगा 5। 5s के लिए 5 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 5। तो इन तीन ऑर्बिटल्स 3d 4p 5s के लिए n प्लस l की वैल्यू जो है वो 5 ही आ रही है, तीनों के लिए भी सेम वैल्यू है। तो हमें क्या देखना है, n की वैल्यू किसके लिए कम है, तो तीन सबसे लीस्ट है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी सबसे कम एनर्जी किसकी रहने वाली है 3d, उसके बाद में होगी 4p, उसके बाद में होगी 5s। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे हाईएस्ट है तो उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एन प्लस एल जिसका लोएस्ट होगा उसकी एनर्जी भी लोएस्ट होगी, और अगर इन केस ऑफ सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन विल हैव लोअर एनर्जी, विल हैव लोअर एनर्जी। तो इस तरह से वी आर गोइंग टू डिसाइड द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल। तो एक टेबुलर फॉर्म में हम देखते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट सबशेल, फर्स्ट शेल के लिए एक ही सबशेल है दैट इज एस वन एस ऑर्बिटल 1s, 2s के लिए, सेकंड शेल के लिए 2s 2p, थर्ड शेल के लिए 3s 3p 3d, फोर्थ शेल के लिए 4s 4p 4d 4f, 5 के लिए s p d f g, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, यहां तक हमारे एलिमेंट्स है, यहाँ इतना भी हम लोग कर लेंगे तो काफी है। तो l के डिफरेंट वैल्यूज, s के लिए 0 01 01 2 s p d f 3 s 3p 3d, s के लिए ये होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। n प्लस l के वैल्यूज इधर टेबुलर फॉर्म में लिख दिए हैं सबके, तो इसके लिए n प्लस l 1 है, और सेकेंड 2s के लिए n प्लस l होगा 2। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद में 2s ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद में 2p में जाएगा फ्रेंड्स, 2p में जाएगा, क्योंकि 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू अगर आप देखोगे तो सेम है। 2p और 3s के लिए n प्लस l की वैल्यू सेम है, बट जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लोअर होगा उसकी एनर्जी लोअर होगी, यानी 2p की एनर्जी 3s से कम रहने वाली है। तो सबसे पहले 2p भरेगा, बाद में 3s, इस सिमिलर वे में 3p 4s 3d 4p 5s।
आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स इस तरह से कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो अरेंज दैट दे ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी एंड नीडलेस टू से इन द ग्राउंड स्पीड वी आर स्पीकिंग अबाउट ग्राउंड स्टेट। तो और उसमें इसका एसेंस क्या है, तो सबसे लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है वो पहले फिल होने वाला है। और एनर्जी हम किसके आधार पर डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एन प्लस एल। जिसका एन प्लस एल लोअर होगा उसकी एनर्जी कम होगी, और एन प्लस एल की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो ऑर्बिटल विथ लोअर नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल हैव लोअर एनर्जी। जिसका एन कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया ऑक्वो प्रिंसिपल की कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करने वाला है। तो उसके आगे जाके हमें ये देखना है कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट कमरे में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन उस कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बारे में ऑक्वो प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता है। कौन से कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके बारे में ऑक्वो प्रिंसिपल कुछ नहीं कहता है। उसके बारे में कौन कहता है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बात करता है। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फ्रेंड्स हमने देखा कि जब क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमें उस इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पर एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस तीन क्वांटम नंबर्स मिल रहे थे। एक था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था एजिमथल क्वांटम नंबर जिसका डिटेल्ड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, और थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल का रेडियस यानी इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है उस ऑर्बिटल में, शेप ऑफ द उसका साइज जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। एजिमिथल क्वांटम नंबर हमें शेप बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उसका ओरिएंटेशन बताएगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, और फोर्थ वन जो है वो इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन का ये कुछ पार्ट नहीं था। फोर्थ जो था वो था स्पिन क्वांटम नंबर। इसके दो ही वैल्यूज रहते हैं, एक तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। एन की जो वैल्यूज रहती है वो वन से लेके इंफिनिटी तक, और एजिमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहती है, जीरो से लेके एन माइनस वन तक। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रहता है, माइनस एल टू प्लस एल इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही वैल्यूज है विच स्पीक्स अबाउट द स्पिनिंग मोशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इसके बारे में पता किससे चलता है, स्पिन क्वांटम नंबर से चलता है। तो पाउली क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव यूनिक सेट ऑफ दीज फोर क्वांटम नंबर्स। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, No two electrons can have same set of all four quantum numbers। कौन से भी दो इलेक्ट्रॉन को सेम सेट ऑफ चार क्वांटम नंबर से डिफाइन किया नहीं जा सकता, यानी एन एल एम एल और एस और एम एस।
अगर एन की वैल्यू मान लो थर्ड सेकेंड शेल पकड़ लेते हैं हम लोग, सेकेंड शेल में कितने सब शेल है, दो सब शेल है, 2s एंड 2p। तो मान लो 2p अगर ऑर्बिटल है, मान लो 2p अगर ऑर्बिटल है, उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए 0, p के लिए 1, तो p के लिए होगी वैल्यू 1। तो ml की वैल्यू क्या होगी, -1, 0, +1। तो फ्रेंड्स हर एक ऑर्बिटल के लिए ये जो रहने वाला है ये यूनिक रहने वाला है, n l m l। यानी अगर वो p p x ऑर्बिटल है तो 2, 1, -1। p z ऑर्बिटल के लिए हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 पकड़ते हैं, 2, 1, 0। p y के लिए क्या होगा, 2, 1, 1। तो फ्रेंड्स ये तो डिसाइड हो गया कि पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए ये यूनिक सेट है। तो रही बात स्पिन क्वांटम नंबर की, जो कि डिसाइड करने वाला है कि इसके कितने प्रोबेबिलिटीज होने वाले हैं। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, एक तो +1/2 या फिर एक -1/2। यानी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके लिए एन एल एम की एम एल की वैल्यू सेम रहेगी, यानी 2, 1, -1। ये अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए, दो ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, एजिमिथल क्वांटम नंबर 1 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 है, तो उनके स्पिन क्वांटम नंबर जो होंगे +1/2 और -1/2 होंगे। यानी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। इधर तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम है, यानी चौथा जो है वो अलग से आने वाला है, तो अलग आने के लिए कितने चांसेस है, सिर्फ और सिर्फ दो चांसेस है, इट विल बी आइदर +1/2 और -1/2। यानी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इसका पता पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देता है। यानी व्हाट इज द एसेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि इसका सार निचोड़ क्या है, कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। इसका निचोड़, इसका सार क्या निकलता है, तो एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और अफबाउ प्रिंसिपल का निचोड़ क्या है, कि लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाके रहेगा, हाईएस्ट एनर्जी वाला बाद में फिल होगा। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो दो। यानी एक एक कमरे में, ग्राउंड फ्लोर का कमरा पहले भरेगा, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में सेकेंड। यानी जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरने वाले है, और एक कमरे में दो ही इलेक्ट्रॉन जाके रहने वाले है। तो फ्रेंड्स हम चलो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, जिसे और गहराई से समझा जा सकता है। एग्जाम्पल के बिना हमें ये प्रिंसिपल्स उतने अच्छे से समझने वाले नहीं है। बीच बीच में आपको जो नोट डाउन करना था वो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं लिथियम से। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो फ्रेंड्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, फर्स्ट शेल में, 1s में। और पॉली बाबा क्या कहते हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 1s को मैंने दे दिए दो इलेक्ट्रॉन। अभी आया इसमें बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें जाएगा, 2s में जाएगा, 1s2 2s1। इस तरह से सबसे पहले आया इलेक्ट्रॉन s में, s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये दो इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में इसके पास बचा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा 2s के पास। तो चलो देखते हैं कार्बन C6। अभी कार्बन में सबसे पहले जाएगा ये 1s के पास, दे देगा अपने दो इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 2s के पास, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, अभी चार इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। अभी दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किधर, नेक्स्ट एनर्जी लेवल कौन सी है, 2p के पास जाने वाला है, 2p2। तो 2p के पास आने के बाद थोड़ा अलग चक्कर है, मैं ऑर्बिटल को इस बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करूंगा अभी इस बार कार्बन के लिए।
और इलेक्ट्रॉन्स को हम मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर के हिसाब से हमें क्या करना है, दो इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो एक दूसरे के स्पिन उनके कैसे रहने वाले, अपोजिट स्पिन रहने वाले, एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो अपोजिट डायरेक्शन वाले एरोज के साथ। तो फ्रेंड्स अभी इधर क्वेश्चन आता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये पी एक्स में ही रुकेंगे या फिर एक पी एक्स में जाएगा और एक पी वाई में जाएगा, इन दोनों में से कौन सी संभावना होने वाली है, इसके लिए मैं ए ऑर्बिटल निकालूंगा जिससे हम और गहराई से समझ पाएंगे। मान लो ये पी जेड ऑर्बिटल है और फ्रेंड्स हम इसको किसी को भी पी एक्स पी वाई पी जेड नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पी एक्स के बाद पी वाई आएगा, पी वाई के बाद पी जेड आएगा, बिकॉज ऑल दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स जिसकी सबकी एनर्जी कैसी है, सेम है, सबकी एनर्जी सेम है। तो मैंने पी जेड में पहले इलेक्ट्रॉन को अगर डाल दिया और अगर मैं दूसरा भी इलेक्ट्रॉन इसी में डाल रहा हूँ और इसको वैकेंट रखने वाला हूँ तो इसकी सिमेट्री लूज होने वाली है। ये ज़्यादा सिमेट्रिक कब होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पी जेड की जगह मैं पी एक्स या पी वाई में डालूंगा और तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी मैं तीसरे अलग ऑर्बिटल में डालूंगा तो उसकी सिमेट्री ज़्यादा होगी। तो इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सेकेंड वाला, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पी पी में जो एंटर करने वाला है वो पी एक्स में जाएगा तो दूसरा वाला जो जाने वाला है वो पी वाई में जाएगा। पी एक्स पी वाई पी जेड किसी को भी आप नाम दे सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि, तो चलो हमारे कन्वेंशन जो चलता है उसके हिसाब से जाएंगे। सबसे पहला हम कहेंगे कि ये पी एक्स में जाने वाला है, पी एक्स के बाद पी वाई में जाएगा, उसके बाद में पी जेड में जाएगा, उसके बाद में जाके पेयरिंग शुरू होने वाली है। तो इसके बारे में कहा था हुंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंट बाबा ने क्या कहा था कि सेम सबशेल में ऑर्बिटल में जब पेयरिंग होती है तो कब होती है, जब हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तब जाकर पेयरिंग होती है, उसके पहले पेयरिंग होती नहीं है। सेम हमने देखा इस एग्जाम्पल के साथ, कार्बन में जब ये 2p में दो इलेक्ट्रॉन है तो पी एक्स में एक आएगा, पी वाई में दूसरा आएगा। तो हुंट बाबा का स्टेटमेंट क्या है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स belonging to same subshell, pairing of electrons in the orbitals belonging to same subshell will not take place until each orbital belonging to same subshell got one electron each। सेम शेल के हर ऑर्बिटल के पास जब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तब जाकर पेयरिंग शुरू होती है। तो और कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं फ्रेंड्स कि पेयरिंग कब शुरू होती है कब नहीं होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम नाइट्रोजन का, एन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करने वाला है, 1s2 में। चलो बॉक्स डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 1s ऑर्बिटल में,
दूसरे दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2s ऑर्बिटल में, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, चार इलेक्ट्रॉन भर गए, अभी बचे कितने, तीन इलेक्ट्रॉन, तो तीन इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p3 में। ये तो अफबो बाबा और पॉली बाबा ने बता दिया, अफबो बाबा ने बता दिया कि 1s में पहले जाएंगे, अफबो बाबा ने, सॉरी अफबो कोई बाबा नहीं था, अफबो प्रिंसिपल ने बता दिया कि पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, पावली बाबा ने बताया कि ईच ऑर्बिटल विल हैव टू इलेक्ट्रॉन्स, और हुंड बाबा ने बताया कि पेयरिंग कब होने वाली है, पेयरिंग तभी होगी जब ईच ऑर्बिटल सेम सबशेल में एक एक इलेक्ट्रॉन से संपन्न हो जाएगा, तभी उसकी पेयरिंग शुरू होने वाली है। तो 2p में हम इस तरह से इसको हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, इसमें पेयरिंग इस तरह से हम नहीं कर सकते क्योंकि ये सिमेट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सबसे पहले हमें हर एक ऑर्बिटल को पी सबशेल के हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देने का प्रयास करना है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है, तो ये वाला चीज पॉसिबल है। चलो और एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, देखो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सबसे पहले आएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद में किधर आएगा, 3s1 में आएगा। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 1s में, एक ऑर्बिटल में आएंगे दो इलेक्ट्रॉन, इसमें आए दो इलेक्ट्रॉन। अभी देखो फ्रेंड्स 2p में मैं किस तरह से फिल कर रहा हूँ, पहले हम देंगे px को एक, py को एक, pz को एक, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 और 4 10। दूसरा इलेक्ट्रॉन, अभी पेयरिंग शुरू होने वाली है, इसके पहले पेयरिंग शुरू नहीं हुई थी, और अभी जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है उसे हम इधर 3s में डाल देंगे। 2p के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल किसकी है, 3s की है। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो तीन रूल्स है, अफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, ये तीन हमें गाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने में। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये एनालॉजी आप हमेशा ध्यान रखो, ये इलेक्ट्रॉन की एक टूर निकली है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक 5-स्टार होटल में रखना है, और 5-स्टार होटल कैसा है फ्रेंड, जिसके ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा है, फर्स्ट फ्लोर पे दो कमरे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे एक कमरा है, फर्स्ट फ्लोर पे दो कमरे है, सेकेंड फ्लोर पे तीन कमरे है, इस तरह से n=1 में सबशेल है एक, n=2 में सबशेल है दो, n=3 में सबशेल है 3s p d, और हर एक सबशेल में s सबशेल में एक ही कमरा है, p सबशेल में, p वाला फ्लैट जो है ये 1 room 2 rooms का फ्लैट है, 3 1 bhk है, p में कितने कमरे हैं और इसमें तीन कमरे हैं,
डी में कितने कमरे है? 5 कमरे है। डी में कितने कमरे है? 5 कमरे है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी 1s में आएगा, उसके बाद में 2s में आएगा, 2p में आएगा, 3s में आएगा, फिर 3p में आएगा, 3p के बाद 3d में नहीं जाएगा, क्योंकि 3d में एनर्जी इसकी ज्यादा होने वाली है। ये एक एनालॉजी है फ्रेंड्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग अप अराउंड द न्यूक्लियस होने वाला है। इसके लिए हम ये हमें गाइड करने वाले 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने आज देखे, अफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। अफबो प्रिंसिपल कहता है लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले भरेगा, और एनर्जी हम डिसाइड करते हैं n प्लस एल के आधार से। n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर। जिधर n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो जाती है, उधर हम देखेंगे जिसका n कम होगा वो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाके भरेगा, और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे ये इसके बारे में कौन बताता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। जिसका एसेंस क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और थर्ड हुंड बाबा क्या कहते हैं, हुंड्स रूल, कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होने वाली है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल वोंट टेक्स प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ दैट सबशेल गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन ईच, ओनली आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट। तो ये था फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अगले सेशन में हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, और हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स किस तरह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके आधार पर कुछ एक दो एक्सेप्शंस है वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।